बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। सुबह सुबह का टाइम है और आसमान पर बादल हैं, लेकिन मशरक़ की तरफ जो समा है उसके तो क्या ही कहने। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सूरज कितनी आबोताब से निकलने की कोशिश कर रहा है। वो आप मशरक़ की तरफ़ देख सकते हैं कि सूरज बिल्कुल निकल चुका है, लेकिन बाकी सारे आसमान पर बादल हैं और मौसम काफ़ी ठंडा है। निकल आएगी तो अब, लेकिन 2-2.5 घंटे तो बाद निकलेगी जिस टाइम बादल सटते हो जाएंगे। मैं और फयाज़ भाई निकले हुए हैं अभी बाहर खेतों की तरफ, क्योंकि सुबह सुबह खेतों की तरफ निकलने से जो मनाजिर देखने को मिलते हैं उनके तो क्या ही कहने। हर तरफ हरियाली, पुरसकून माहौल, कहीं कहीं परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें, ये सारी चीज़ें मिलकर जहन को, दिल दिमाग को अजीब तरह की ताज़गी बख्शती हैं, अजीब तरह की ताज़गी का एहसास होता है जो शायद शहरों में रहने वाले हमारे बहन भाई जो हैं इस एहसास को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिलते। मौसम ठंडा है, मैंने सिर्फ ये टोपी पहनी हुई है और स्वेटर, लेकिन इतनी सर्दी महसूस नहीं होती। पर फयाज भाई ने तो वड्डी चादर दी बुकल मारी हुई। बदल है ना, जिम्मे पंजाबी चाहते ना के ना पो पाला ना मां पाला, वाह वगे ते पाला लगे। अच्छा, हवा चले तो। हां जी, हवा लगे ते पाला, हवा चले ते पाला लगे। पिछले दिनों भाई इतनी हवा चलती थी, कितना इतने कोई हाल नहीं सी, फसलों का कोई हाल नहीं सी। ये सारी फसल गंदम की जो है फयाज भाई लोगों की है माशाल्लाह। और ये जो रास्ता है फयाज, यह रास्ता तो पहले ही तो नहीं ना होता? नहीं नहीं भैया, बनना है साड़ा। सही, सड़क के दूसरे अंदर। ठीक, ये जो चने हैं ये हमसायों के हैं, बलोच बरादरी। बलोच बरादरी ये चने की गोडी अद्धी को कीती ते अद्धी को विच गंद। जिन्निया बारिशां पईयां ना बरानी इलाका वास्ते, लेकिन यह बई टिब्बे जो इस तरह के है ना उन्होंने वास्ते बारिश चंगी है। जेडे है ना बिलकुल प्लेन, मतलब जिदा साडे खेत उन्होंने वास्ते नुकसान, ब्राउन वास्ते चंगी, जेडे नहरी रकबे ने उन्हां वास्ते नहीं चंगी। उन्हां वास्ते नहीं चंगी, क्योंकि ओथे फिर ओहे साडे आले पासे जिथे माड़ी माड़ी लोकां चने बीजे ने ना ओह सारे वध गए। मौसम आज ठंडा है, आज हमने घर वापस जाना है, अल्लाह करे धूप निकल आए, क्योंकि ऐसे मौसम में तो बाइक चलाना भी बड़ा औखा काम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले उर्दू बोलना सीख लो फिर उर्दू बोला करो, क्यों टांगे तोड़ते हो? तो उन बहन भाइयों के लिए ये मैं बताता चलूं कि कुछ वर्ड्स मैं अगर पंजाबी के ऐड करता हूं तो इट डजंट मीन के आई डोंट नो हाउ टू स्पीक उर्दू। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू बोल लेते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा वीडियो को फनी बनाने के लिए देखने में मतलब कि आई बहुत ना हो, हम बीच में पंजाबी के वर्ड डालते हैं। और वैसे भी पंजाबियां
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਨੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਹੰਸੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੂੰਹ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾ ਦੇ 12 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਸੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋੜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਬਾਸਤਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਆਜ਼ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਛੜਿਆ ਕਰੋ ਦਿਨੇ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਰੇ ਅਸਲ ਚ ਨਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਈ ਰਾਖੀ ਬਹੁਤ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਾ ਮੌਸਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਵੋ ਕਰੇਂਗੇ। ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਗਾਏ ਕਾ ਦੂਧ ਨਿਕਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਸੇ। ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੂਧ ਨਿਕਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਅੱਜ ਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਇਸਕੋ ਆਪ ਦੇਸੀ ਅੰਡਾ ਆਮਲੇਟ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਪਰਾਂਠੇ ਹੈ, ਦਹੀ ਹੈ, ਮਸੂਰ ਕੀ ਦਾਲ ਜਿਸਮੇ ਘੀ ਡਾਲਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਅਚਾਰ ਘਰ ਕਾ ਬਣਾ ਹੁਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। जी दोस्तों, नाश्ता हमने कर लिया है और आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रब सोने दे हवाले, रब राखा, अल्लाह हाफिज़।